हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम क्लास टेन चैप्टर फोर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन वाई डज़ एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी ये चैप्टर जो है एन फ्रेंक की डायरी में से लिया गया है तो एन फ्रेंक डायरी क्यों लिखना चाहती थी ये आपको बताना है ऑप्शन ए शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स बी शी लव्स टू राइट सी शी वॉन्ट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर या फिर डी शी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी शी वॉन्ट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर वो चाहती थी कि उसके जाने के बाद लोग उसके बारे में सुने उसके बारे में जाने वट वॉज टॉपिक ऑफ़ द एसे रिटन बाय एन तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी एन फ्रैंक अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी शी वॉज़ वेरी टॉकेटिव तो उसके टीचर मिस्टर किसिंग ने उसे एज ए पनिशमेंट एक ऐसे लिखने के लिए दिया था तो उसका टाइटल क्या है आपको बताना है ऑप्शन ए माई डायरी बी अ चैटर बॉक्स See a letter box none of the above your time starts now सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अ चैटर बॉक्स मिस्टर किसिंग ने एन फ्रेंक को एज ए पनिशमेंट तीन बार ऐसे लिखने के लिए दिया था जो फर्स्ट टाइम टॉपिक दिया था अ चैटर बॉक्स सेकेंड टाइम एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स और थर्ड टाइम क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स तो ये तीनों टॉपिक आपको याद रखने हैं जिस पर एन फ्रैंक को ऐसे लिखना था एग्जाम में पूछे जा सकते हैं Why was writing in a diary a strange experience for N? Diary likhna N ke li strange experience kyun Option A. She had never written anything before. B. She didn't know how to write. C. Neither she nor anyone else would be interesting in it later. Ya it D. Both A and C. Your time starts now. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी शी हैड नेवर रिटर्न एनीथिंग बिफोर एक तो उसने पहले कभी ऐसा कुछ लिखा नहीं था एंड नीदर शी नो एनी वन एस वुड बी इंटरेस्टिंग इन इट लेटर उसे लगता था कुछ समय बाद हो सकता है वो खुद भी उसे पढ़ना ना चाहे और हो सकता है लोग भी इसे पढ़ना पसंद ना करें हु वुड एन अलाउ टू रीड हर डायरी एन जब डायरी लिखेगी तो उसे पढ़ने की परमिशन किसे होगी आपको बताना है ऑप्शन ए हर सिस्टर बी हर पेरेंट्स सी अ रियल फ्रेंड इफ़ शी गोट वन या फिर डी नो वन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अ रियल फैन इफ़ शी गोट वन अगर उसका कोई सच्चा दोस्त होगा तो वो उसे इस डायरी को पढ़ने की परमिशन जरूर देगी हाउ डज एन एक्सप्लेन हिज फादर ऑप्शन ए मोस्ट अडोरेबल फादर बी मोस्ट एंग्री फादर सी मोस्ट डेलीकेट फादर या फिर डी नन ऑफ द एबव योर टाइम स्टार्ट ना हो So, the right answer is option A, most adorable father. Who is Anne's long awaited friend? Option A, her pen, B, her cat, C, her diary, FD, her dog. Your time starts now. So, the right answer is option C, her diary. हाउ डज शी वॉन्ट टू बिगिन हर डायरी एंड फ्रेंक जब डायरी लिखना शुरू कर रही थी तो वो उसे कैसे शुरू करना चाहती थी ऑप्शन ए बाई राइटिंग हर नेम बी बाई गिविंग एन इंट्रोडक्शन सी बाय राइटिंग अबाउट हर होबी या फिर डी नन ऑफ द एबव योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन वो पहले अपना इंट्रोडक्शन लिखना चाहती थी डायरी में उसके बाद डायरी को शुरू करना चाहती थी ऑन विच डेट डिड एंड रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर किसिंग्स इन हर डायरी तो मिस्टर किसिंग्स वाला जो इंसिडेंट था वो उसने अपनी डायरी में किस डेट को लिखा था ऑप्शन ए 12 जून 1942, बी 21 जून 1942, सी 20 जून 1942 या फिर डी 22 टू जून फोर्टी टू योर टाइम स्टार्ट नाउ द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ट्वेंटी जून नाइनटीन फोर्टी टू इसे आपको अच्छे से याद रखना है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीस जून उन्नीस सौ बयालीस को एन ने मिस्टर किसिंग का इंसिडेंट जो था अपनी डायरी में लिखा था इन विच सिटी वर एन एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर तो मार्गोट जो थी वो एन की सिस्टर थी और एन के फादर जब हॉलैंड शिफ्ट हो गए थे उसकी मदर और फादर दोनों तब एन और मार्गोट को अपनी ग्रैंड मदर के साथ कहाँ पर भेजा गया था रहने के लिए तो ऑप्शन ए बर्लिन बी अचेन सी म्यूनिक डी बोन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अचेन तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं एक तो एन के सिस्टर का नाम क्या था मार्गोट और दूसरा उसकी ग्रैंड मदर कहाँ पर रहती थी अचेन में हु वॉज़ द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनस फैमिली तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी एन की फैमिली को जब कंसनट्रेशन कैम्प में भेजा गया था तो वहाँ पर वहाँ के जो टॉर्चर थे नाज़ीज़ के वो सहन करते हुए सबकी डेथ हो गई थी उसके फैमिली मेम्बर्स की सिर्फ़ एक फैमिली मेम्बर सर्वाइव किया था और वो कौन था ये आपको बताना है ऑप्शन ए एन बी एंड फादर सी एन मदर या फिर डी एंड सिस्टर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एनस फादर हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एन हैव एन के कितने सगे भाई बहन थे आपको यहाँ बताना है ऑप्शन ए वन बी टू सी थ्री या फिर डी फोर योर टाइम स्टार्ट्स ना हो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वन एन की सिर्फ एक सिस्टर थी और उसका नाम था मार्गोट वट नेम वज हर बुक पब्लिश विद जब एन की डेथ के बाद उसके फादर ने उसकी बुक को पब्लिश करवाया था तो उसका नाम क्या रखा गया था ऑप्शन ए फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रेंक बी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल सी एन फ्रेंक या फिर डी एन फ्रेंक्स डायरी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ The right answer is option B, the diary of a young girl. Remember, the diary of a young girl. What did she write in her last essay? तो एन को जब मिस्टर किसिंग ने तीन बार ऐसे लिखने के लिए दिया था, तो last essay में उसने क्या लिखा था? Option A, a poem. B, a joke. C, a paragraph. या फिर D, a funny poem. Your time starts now. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी अ फनी पोएम और ये पोएम एन ने अपनी एक फ्रेंड की हेल्प से लिखी थी वट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटर्न एन फ्रेंड की जो डायरी थी ओरिजिनली उसे किस लैंग्वेज में लिखा गया था ऑप्शन ए स्पेनिश बी इंग्लिश सी डच या फिर डी फ्रेंच योर टाइम स्टार्ट्स नाउ द राइट आंसर इज ऑप्शन सी डच ओरिजिनली इसे डच लैंग्वेज में लिखा गया था और बाद में इसका ट्रांसलेशन कई लैंग्वेजेस में हुआ था और ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बार पढ़ी जाने वाली बुक है वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनोइड विधहर मिस्टर Kissing जो थे वो एन से नाराज क्यों थे परेशान क्यों थे ओके ऑप्शन ए शी वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट बी शी वॉज टॉकेटिव सी शी वॉज रूट या फिर डी ऑल ऑफ द एबव योर टाइम स्टार्ट नाउ द राइट आंसर इज ऑप्शन बी शी वज टॉकेटिव वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी क्लास में इसीलिए मिस्टर किसिंग उसे नाराज रहते थे और एज ए पनिशमेंट उन्होंने उसे तीन बार ऐसे लिखने के लिए भी दिया था जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया था उन तीनों ऐसेज के जो टॉपिक्स थे वो आप कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ वट डिड शी नेम हर डायरी एन ने अपनी डायरी का क्या नाम रखा था ऑप्शन ए एन बी कैटी सी किटी या फिर डी किटन योर टाइम स्टार्ट ना हो राइट आंसर इज ऑप्शन सी किटी एन ने अपनी डायरी का नाम कि टी रखा था why does she give a brief sketch about her family in the diary option a no one would understand it if she doesn't write it b to introduce kitty to her family c she would forget facts about her family if a d she liked talking about her family your time starts now The right answer is option A. No one would understand it if she doesn't write it. अगर वो introduction नहीं लिखेगी अपने family के बारे में, तो कोई उसको समझ नहीं पाएगा। Which subject was she not sure of passing? उसे जिस दिन उसका result declaration था, तब उसे क्या लग रहा था कि subject में शायद वो pass ना हो पाएगी? उसे किस subject का doubt था? Option A, Maths, B, Science, C, English, F, A. D, All of the above. So your time starts now. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मैथ्स मैथ्स में उसको डाउट था और इसी बात पर जो स्टूडेंट्स थे उसकी क्लास के दूसरे फ्रेंड्स थे वो बैट भी लगा रहे थे कि कौन पास होगा कौन फेल होगा विच टॉपिक वज टू राइट एन एसे ओन एज अ पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट जब मिस्टर किसिंग ने उसे ज़्यादा बोलने की वजह से पनिशमेंट दी थी तो उसे कौन सा असाइनमेंट दिया गया था ऑप्शन ए अ चैटर बॉक्स बी एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स सी क्वैक 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 सेट मिस्टर्स चैटर बॉक्स या फिर डी ऑल ऑफ द एबव सो योर टाइम स्टार्ट्स ना इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आई होप सब सही आंसर देंगे सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब उसे ये तीनों ही असाइनमेंट मिले थे पहले असाइनमेंट का नाम था इजरबॉक्स दूसरे का एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स और तीसरे का था क्वेक चैटरबॉक्स हाउ डिट एन जस्टिफाई हर बींग टिव इन दू बोलती थी तो इसको एन ने अपने ऐसे में किस तरह से जस्टिफाई किया था ऑप्शन ए शी डिस्कस द सब्जेक्ट टॉपिक इन क्लास बी इट इज अबिट सी इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेड फ्रॉम हर मदर एंड यू कैन डू मच अबाउट इट डी द क्लास इज बोरिंग सो योर टाइम स्टार्ट नाउ सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इट इज एन इन्हेरिटेड ट्रेड फ्रॉम हर मदर एंड यू कैन डू मच अबाउट इट उसका कहना था कि ज़्यादा बोलने की आदत उसने अपनी मदर से ही इनहेरिटेड की है what shows anne's love for her grandmother option a she still thinks about her b she misses her c she let her birthday pass with little celebration every day both 1 and 2 your time starts now द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ वन एंड टू पहली बात तो ये कि शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर वो अभी भी उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचती है एंड सेकेंड शी मिस उनको बहुत ज्यादा मिस करती है सो डी आंसर करेक्ट है वाई डज एन थिंक शी वॉज लोनली एन को ऐसे क्यों लगता था कि वो अकेली है ऑप्शन ए शी हैड नो फ्रेंड्स बी शी हैड नो रियल फ्रेंड्स सी शी वॉज ऑल अलोन या फिर डी शी वॉज एन इंट्रोवर्ट सो योर टाइम स्टार्ट नाउ द राइट आंसर इज ऑप्शन बी शी हैड नो रियल फ्रेंड्स उसके दोस्त तो बहुत सारे थे पर कोई रियल फ्रेंड यानी कि कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपने इनर फीलिंग्स को शेयर कर सके और इसी वजह से एन ने डायरी लिखना शुरू किया और उसने अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर अपनी सारी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करनी शुरू करी वाई वॉज शी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वो उनके साथ इतना ज़्यादा क्लोज नहीं थी कि उनके साथ वो कुछ शेयर कर पाए ऐसा क्यों था ऑप्शन ए शी डिडेंट लाइक हर फ्रेंड्स बी हर फ्रेंड्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग सी शी कैन ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ यी ऑल ऑफ द अबव योर टाइम स्टार्ट्स नाउ The right answer is option C. She can't bring herself to talk about personal stuff. तो वो उसका ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ अपनी personal stuff, अपनी inner feelings को वो discuss कर सके. When was the diary given to Anne? Anne को ये diary कब दी गई थी? Option A, eleventh birthday. B, twelfth birthday. C, thirteenth birthday. या फिर D, fourteenth birthday. Your time starts now. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी थर्टींथ बर्थडे तो एन के थर्टींथ बर्थडे पर उसके फादर ने एन को डायरी गिफ्ट करी थी वाई डिड शी नोट वॉन्ट टू गिव अ ब्रीफ इन द डायरी एट फर्स्ट ऑप्शन ए शी डिडेट वॉन्ट टू बी फॉर्मल बी शी वॉन्टेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड सी शी डिड नोट लाइक द आइडिया यू डी बोथ वन एंड टू योर टाइम स्टार्ट ना हो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ वन एंड टू शी डिडेंट वॉन्ट टू बी फॉर्मल एक तो वो फॉर्मल नहीं होना चाहती थी एंड शी वॉन्टेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड वो डायरी को अपना रियल यानी कि ट्रू फ्रेंड बनाना चाहती थी वट वॉज एन फ्रेंक् फुल नेम एन फ्रेंक का फुल नेम बताना है आपको ऑप्शन ए एनालीज मैरी फ्रेंक बी एना मैरियन फ्रेंक सी एन मार्क फ्रेंक या फिर डी एनालिज मार्टिना फ्रेंक योर टाइम स्टार्ट नाउ The right answer is option A. Annalise Mary Frank. How old was Anne's father when he married her mother? जब Anne के father ने उसकी mother से शादी करी थी तब उनकी age क्या थी उसके father की age क्या थी Option A 34, B 35, C 36 या फिर D 32. Your time starts now. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी थर्टी सिक्स एंड फ्रैंक वॉज बोर्न ऑन ट्वेल्थ जून इन दयर आपको ईयर बताना है ऑप्शन ए नाइनटीन थर्टी बी नाइनटीन ट्वेंटी नाइन सी नाइनटीन थर्टी वन या फिर डी नाइनटीन थर्टी थ्री योर टाइम स्टार्ट ना हो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1929 एंड फ्रैंक का बर्थ हुआ था ट्वेल्थ जून 1929 को एडिथ होलैंडर फ्रैंक इज द नेम ऑफ एंस ऑप्शन ए मदर बी ग्रैंड मदर सी सिस्टर या फिर डी आंट योर टाइम स्टार्ट नाउ द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मदर एन की मदर का नाम था एडिथ होलैंडर फ्रेंक एट हर थर्ड असाइनमेंट एन रोट ए पोएम अबाउट ऑप्शन ए पैरेट बी अ फैमिली ऑफ स्पैरो सी अ डग फैमिली या फिर डी हर सेल्फ योर टाइम स्टार्ट ना हो तो इसमें आपको बताना है थर्ड असाइनमेंट में जो पोएम लिखी थी एन ने उसमें क्या लिखा था उसने किसकी स्टोरी थी सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अ डक फैमिली सो आई होप आपको ये एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और आपने थर्टी में से कितने मार्क्स स्कोर करे वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आई विल भी बैक विद द न्यू वीडियो टिल दैन टेक केयर एंड कीप लर्निंग